हेलो स्टूडेंट्स, हुन असी एक्सरसाइज करांगे 8C। और इस दे लई फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेशनर बाइज पेन्स एट 5 फॉर ₹28। मतलब एक स्टेशनर जो है वो 5 पेन बाय कर रहे हैं 28 रुपीज़ दे। दिस मीन्स CP ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹28। ओके, एंड सैलिंग दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एंड इन्हों पेन्स से उसनों प्रॉफिट हो रहा है 25%। दैन SP की होएगा, SP ऑफ 5 पेन्स, ठीक है, बिकॉज टोटल जो सेल हो रही है वो CP 28 द प्रॉफिट, सॉरी CP जो 28 है वो 5 पेन्स है, एंड जो प्रॉफिट है वो भी अपने को 5 पेन्स से है, तो SP भी किस आएगा, 5 पेन्स आएगा। सो SP लिए फॉर्मूला की होएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP इज 28। सो 100 प्लस 125 क्या आएगा, 125 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 28। सो पहला सी 25 दे टेबल दे कट करेंगे तो आएगा 5 और 4, दैन 4 दे टेबल ते कट करेंगे 1 7, ठीक है। सो 5 × 7 = 35। सो SP ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹35, ठीक है। एंड देन हाउ मच शुड अ कस्टमर पे इफ ही बाय ओनली 1 पेन। अगर किसी कस्टमर ने 1 पेन जो है लेना हो उस कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, एंड या फिर 3 पेन लेने हों तो कितना पे करना पड़ेगा। देखो जो कस्टमर पे कर रहा है वो एक्चुअल दे विच की है, जो सेलिंग प्राइस है पेन का वो स्टेशनर दे ली, ठीक है। सो सी दिस मीनस सेलिंग प्राइस कढ़ना है, पहले 1 पेन का कढ़ांगे, तो देखो सेलिंग प्राइस जो है 5 पेन का हुई है, सो सेलिंग प्राइस जो है 1 पेन का वो की होएगा, 5 नाल डिवाइड कर दो। सो ₹35 नू 5 नाल डिवाइड करांगे तो की आ जाएगा ₹7, ठीक है। सो सैलिंग प्राइस ऑफ ए फर्स्ट पार्ट ले सी और इस सैकेंड पार्ट ले है, सैकेंड पार्ट 3 पेन्स का सैलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सो सैलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स की होएगा, 1 पेन का सैलिंग प्राइस ₹7 है, सो इनू मल्टीप्लाई कर दो बाई 3, सो ₹21 जो होएगा वो 3 पेन का सैलिंग प्राइस है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The cost price of 20 articles is the same as the selling price of 16 articles. जो cost price है मतलब CP of 20 articles is equals to the selling price मतलब SP of 16 articles, ठीक है, ये equal given है। Then find करना सी gain परसेंट कितना होएगा, जा इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होएगा ये फाइंड आउट करना है। सो पहला से सपोज कर लेने हैं CP ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल लई सपोज कर लेने हैं CP जो है वो ₹1 है। सो दिस मीन्स असी 20 लिए देख रहे हैं, सो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स का की होएगा, ₹20 होएगा, क्योंकि 1 रुपए का 1 आ रहा है तो 20 किन्ने देवे, ₹20 से। दैन CP नेक्स्ट असी देखांगे 16 दा कितना होएगा, 16 आर्टिकल्स लई ₹16 होएगा, सेम। ओके, और अगर असी SP देखना है, सेलिंग प्राइस देखना है 16 आर्टिकल्स दा कितना होएगा, तो SP ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू किस से इक्वल है, ये CP है जो 20 आर्टिकल्स दा, सो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स की है ₹20, सो ए ₹20 है। सो हुण इन्हां दोनों नूं देखो, जो CP है 16 आर्टिकल का वो ₹16 है, एंड जो SP है ₹16 का वो 20 है। सो की है SP ग्रेटर दैन CP, सो दिस मीनस प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 माइनस 16 करो 4, सो ₹4 सानूं प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंट की होएगा, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 बाय CP, CP कितना है साढ़े को 16 मल्टीप्लाई बाय 100। सो पहले 4 दे टेबल ते कट करांगे, 1
देन 4 डे टेबल दे अगेन कट करेंगे 125, सो 1 × 25 इज 25%, सो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसनों 25%। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट राइस वर्थ रुपीज 4500, 4500 दे राइस जो है वो बाय कितने हुए है एक शॉपकीपर ने। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट, जो 1/3 पार्ट है राइस का उसने सेल करते हैं एट 10% प्रॉफिट ते, ठीक है। इफ ही डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द होल, मतलब जिन्हें भी उन्हें सारे राइस खरीदे हुए हैं उन्हें सारे तेन 12% का प्रॉफिट चाहिए। दैन फाइंड द सैलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस, जो राइस वो कोल हुण तक बचे हुए हैं उन्हों का सैलिंग प्राइस की होना चाहिए, ठीक है। सो पहले असं ये फस्ट पार्ट फाइंड आउट करा, तो फस्ट पार्ट के लिए देखो पहले जो उन्हें राइस लाए हुए हैं तो उन्हों का सी पी कि सी पी इज इक्वल टू 4500 एंड प्रॉफिट होल राइस, ये सारे राइस है ना जिन्हों का सी पी है, और होल तो उन्होंने किन्ना प्रॉफिट चाहिए 12% चाहिए। सो ये भी होल लिए देख रहे हैं असं, तो सैलिंग प्राइस जो सारे आ राइस है होल उन्हों का की होएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी, सो दिस मीनस 100 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है 12 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी मीनस 4500, ठीक है। सो इसनों सॉल्व करांगे 100 प्लस 12 112 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500, सो 2 ज़ीरोज़ नाल 2 ज़ीरो कट हो जाएगियाँ, 112 नू 45 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 5040 आ जाएगा। सो दिस मीन्स जो एस पी है ऑफ होल राइस तो वो साढ़े को आ जाएगा 5040 रुपीज़, ठीक है। सो ये होल राइस का सी, उस तो बाद देखो हूँ अपने को जो है 1/3 किन्ने सेल किए हुए उसने पहले 1/3, सो जो 1/3 राइस सेल किए हुए हैं हूँ असी ये फाइंड आउट करते हैं, 1/3 का मतलब 1/3। सो सी पी ऑफ 1/3 राइस, 1/3 राइस का सी पी की होएगा, 1/3 ऑफ टोटल सी पी कि 4500, इसका 1/3 फाइंड आउट कर लो, 3 दे टेबल से कट करेंगे तो 1500 आ जाएगा। सो 1500 जो है वो सी पी है 1/3 ले, ठीक है, और 1/3 से वो प्रॉफिट कितना गेन कर रहा है 10%, सो दिस मीनस ये सानू प्रॉफिट गिवन है 10%। सो इसका सैलिंग प्राइस की हो जाएगा, सैलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10% बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी, सी पी 1/3 1500, सो दिस बिकम्स 100 प्लस 10 110 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1500, सो 2 ज़ीरो नाल 2 ज़ीरो कट कर दो, 15 मल्टीप्लाई करो 110 नाल की आएगा 1650, सो ये अपने को ले आ रहा है सैलिंग प्राइस ऑफ 1/3, ठीक है। सो ये सारा असी 1/3 लिए सॉल्व किया हुआ। सो नैक्सट असी सॉल्व करेंगे फॉर द रिमेनिंग, जो साढ़े को अजे तक रिमेनिंग राइस है उन्होंने हम असी सॉल्व करेंगे। सो रिमेनिंग राइस लिए सी पी की होएगा, देखो असी पहला फाइंड आउट किया होल ले सी पी कि 4500 माइनस 1/3 ले जो सी पी है वह 1500 है, सो होल ले साढ़े को रिमेनिंग ले कि रह जाएगा माइनस कर दो 3000। दैन एस पी, एस पी देखो होल ले कि साढ़े को 5040 माइनस जो 1/3 ले एस पी कि आया साढ़े को 1650, सो माइनस कर दो तो रिमेनिंग लिए साढ़े को रहेगा 3390, तो ये आ गया एस पी फॉर रिमेनिंग राइस। दैन प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट देखो सैलिंग प्राइस चो कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो की आएगा 390, सो 390 सानू प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंट किस दे इक्वल हुंदा है, प्रॉफिट बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज जो सानू सैकेंड पार्ट पूछा हुआ है उस दे विच असी की फाइंड आउट करना सी द परसेंट प्रॉफिट ऑन द रेस्ट राइस, रेस्ट राइस ते परसेंट पूछी हुई सी।
सो प्रॉफिट कितना हो रहा है 390 बाय सीपी, सीपी कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 नाल 20 कट हो जाएगी, 10 नाल 10 कट हो जाएगी एंड ये आएगा 13 बाय 3। अगेन 13 नाल कट करेंगे 39 नू तो की आएगा 13%। सो 13% जो रिमेनिंग राइस ते प्रॉफिट होएगा। एंड फर्स्ट पार्ट दे विच असी फाइंड आउट करना सी सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट। रेस्ट दा जो सेलिंग प्राइस है वो सी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9th। राजू सेल्स आ वॉच एट 5% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹24 मोर ही वुड हैव गेन्ड 11%। राजू एक वॉच से 5% प्रॉफिट गेन कर रहा है, अगर उसने ₹24 ज़्यादा तो सेल की वॉच तो दैन उसनों गेन हो रहा 11%। ठीक है, तो इस दे लिए असी की करना है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, तो वॉच का कॉस्ट प्राइस की होएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल असी सपोज कर लेने हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो लेट करो ये 100 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसनों, प्रॉफिट उन्हों मिल रहा 5%। ठीक है, तो दैन उसका सैलिंग प्राइस की होएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी मतलब 100। सो 100 नाल 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 5 इज 105। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया साढ़े को 105 आ गया। ओके एंड प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 11%। नेक्स्ट दे विच प्रॉफिट 11% मिल रहा है, अगर 11% प्रॉफिट दे अकॉर्डिंगली देखिए तो सैलिंग प्राइस की होएगा। ये सैलिंग प्राइस कि है जो दो अपने कोल प्रॉफिट 5% सी, हूँ प्रॉफिट 11% है तो सैलिंग प्राइस की होएगा, सैलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 11% प्रॉफिट दे अकॉर्डिंगली 11 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी अपने कोल सेम है 100। सो कैंसिल हो जाएगा 100 प्लस 11 111। ठीक है, सो ए सी पी है एक एस पी है सेलिंग प्राइस 111 जदों प्रॉफिट 11% सी एंड ए सी एस पी है 105 जदों प्रॉफिट 5% सी। तो हुण देखो दोनों दे विच डिफरेंस किन्ना है, डिफरेंस बिटवीन एस पीज दोनों एस पीज दे विच डिफरेंस किन्ना है 111 दे विचों माइनस कर दो 105 तो किन्ना आ रहा है 6। तो 6 जो है डिफरेंस आ रहा है मतलब ₹6 एस पी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और आप फाइंड आउट करना है आप ₹20 ज़्यादा एस पी उसते लेना है। ठीक है, सो हम देखो सॉल्व किमें कर रहे हैं, ₹6 मोर मिल रहे हैं अपन। ठीक है, ₹6 ज़्यादा मिल रहे हैं ना हूँ 11% प्रॉफिट पर, जो आप सी पी लिया हो 100 तो सी पी कि साढ़े को 100 रुपीज़। तो देखो ₹1 अगर मोर मिलेगा तो सी पी कि होएगा, डिवाइड कर दो 6 नाल। ठीक है, आपू कि चाहिए 24% 24 रुपीज़, तो रुपीज़ 24 जो मोर ज़्यादा मिलनगे अपन तो सी पी कि होएगा, मल्टीप्लाई कर दो 24 नाल। ठीक है, सो हूँ इन सॉल्व करांगे तो 6 ते कट हो जाएगा 1 4 4 × 100 400। सो दिस मीन्स 400 सी पी जो है होना चाहिए, तो दैन सू 24 रुपये ज़्यादा मिलनगे।